You think that I'm running in place? Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? It's sick, but I'm lacking a placement. Thoughts as I rap in the basement, but my come up is legend, it's greatness. तो आज मैं आप सब लोगों को डिवाइन से मिलवाने वाला हूँ। तो ये जो मोटरसाइकिल आप देख रहे हो, ये मोटरसाइकिल एक कस्टम मोटरसाइकिल है, बट ये रॉयल एनफील्ड का प्रोजेक्ट है। उसी के साथ ही साथ एक सेकंड प्रोजेक्ट जो हमारे पास है वो है ये कैफे रेसर कम स्क्रैम्बलर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे आपको हर एक टाइप की ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलने वाली है, चाहे वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल हो स्प्लेंडर, या फिर वो 2500 सीसी की रॉकेट हो, चाहे वो कस्टम मोटरसाइकिल हो या चाहे वो विंटेज मोटरसाइकिल हो, चाहे वो 1 लीटर की कार हो या फिर वो V12 इंजन ही क्यों ना हो, ऑल अंडर वन रूफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सिर्फ इस रूफ के अंदर। तो फिर हमारे जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उसको आप जा करके थोड़ा सा हिट करो, ताकि हमको भी ऐसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए सारा कॉन्टेंट जल्दी से जल्दी ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी दैट इज सायम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को हमारा पिस्टन सलाम बॉस। तो आज हम लोग आ जाते हैं इस डिवाइन पे, जो कि एक रॉयल एनफील्ड की बाइक है और इसको बहुत ही प्यार से बनाया है नीव मोटरसाइकिल्स ने। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं इनके निर्माता को। सर, वेलकम टू द शो। सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। हमारी मुलाकात होती रहती है, वैसे तो हम लोग इस चैनल पे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारी जो मोटरसाइकिल बनी है, ये क्या बनाई है आपने? मुझे सूत्रों के द्वारा ये सुनने को मिला है कि ये मोटरसाइकिल जो है ये रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है, क्या ये सही है या नहीं है, आप बताइए। रॉयल एनफील्ड ने प्रोजेक्ट दिया है हमें बनाने के लिए, बट वैसे नहीं कि वो लॉन्च करेंगे, मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, उनके लिए बनाई गई है ताकि वो शोकेस कर सकें और बता सकें कि हमारी जो बाइक्स हैं वो कितनी कैपेबल हैं, उस पर क्या क्या किया जा सकता है। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेस की बात की जाए तो हमने सिर्फ इसका इंजन और फ्रेम, दैट्स इट, सिर्फ वो यूज किया है। इस ये कौन सी मोटरसाइकिल के ऊपर बनी हुई है? क्लासिक रीबॉर्न जो अभी लॉन्च हुई है, अभी नई वाली, हाँ, जो 5-6 महीने पहले, ठीक है, हुई है। तो ये उसके ऊपर बनाई गई है और ऑलमोस्ट वी हैव चेंज एवरीथिंग इन द बाइक। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। 16 इंच के इसमें हमने हार्ले के वो लगाए हैं रिम। कितना वाइड टायर है ये हमारा? ये 516 होता है, मतलब 140 के करीब होता है, 140 के करीब होता है। हाइट बहुत ज्यादा होती है, वो सबसे जो लुक है वो इसका जो है बहुत ज्यादा इनहांस कर देता है। ABS हमने नहीं छेड़ा है बाइक का, ABS है, सेफ्टी भी होनी चाहिए साथ, बिल्कुल डिजाइन के साथ ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, बस सेफ भी होनी चाहिए। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, ओरिजिनल है, बट बीफी लुक देने के लिए हमने आपने इसका आउटर शेल चेंज करा, शेल चेंज किया। फ्रंट का जो लुक है आपका बीफी है, लेकिन उसमें जो है आपकी जो LED की जो लाइट है ये छोटी सी है, ये छोटी लगाई है। अब ये 5.5 इंच की है, अगर 7 इंच की लगाते तो आई थिंक वो बहुत बड़ी हो जाती। तो हर चीज एक छोटी से छोटी चीज पे हमने फोकस किया। दीज राइजर शायद इस टाइप के किसी ने नहीं देखे होंगे, ये भी प्रॉपर ब्रास के हैं, इम्पोर्टेड वो है राइजर्स। उसके बाद हम इसके हैंडल पर आ जाते हैं। तो आपका ये जो हैंडल है काफी ज्यादा वाइड, इसको क्या कहते हैं, बीच हैंडल बार कहते हैं ना इसे, बीच हैंडल बार कह सकते हैं और थोड़ा ड्रैग टाइप में भी बोल सकते हैं इसे। ओके, तो अगर हम लोग अब आ जाए इसके टैंक पर, तो इस पे हमने आप यकीन नहीं करेंगे एक हफ्ता पूरा फुल डे सिर्फ ये टैंक को फैब्रिकेट करने में लगा। ये कर्व्स देखिए, सबसे पहले कर्व्स कुछ एड अप नहीं किए, 2-3 कर्व्स, ये डिटेल्स के लिए और कुछ इस पे वैसे चिपकाए नहीं गए, टैंक का ही हिस्सा, ये टैंक ही है। और ये हैंडमेड टैंक है? ये हैंडमेड है। इसके बाद में ये क्या है सर? ये भी कैप है, दोनों तरफ से फ्यूल भर सकते हो, दोनों तरफ से फ्यूल भर सकते हैं। अच्छा, लोग ऐसे शोबाजी में भी लगा देते हैं, आप दोनों तरफ से भर सकते हैं, ये बढ़िया चीज है। हाँ जी, ब्रास के ही हैं दोनों, ये भी दोनों ब्रास के हैं। एनग्रेविंग बहुत ब्यूटीफुल एनग्रेविंग करके। उसके बाद में आप बताओ सोना कहाँ लगा है? सोना कहाँ है? Where is सोना? ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे हल्का सा इसको बाहर रखा है, एक लाइनिंग, मतलब पिन स्ट्राइप्स नहीं किए, बाहर ही हमने वो कर दिया, इरप्ट सा कर दिया। ओके, तो इस पे हमने सोचा था कि या फिर कलर करेंगे, बट एट द एंड मैंने फिर माइंड बनाया कि लेट्स यूज गोल्ड लीफ फर्स्ट। ये हमारी फर्स्ट बाइक है जिसपे हमने गोल्ड लीफ यूज किया, 24 कैरेट गोल्ड लीफ। उसके बाद जब हम लोग आ जाते हैं इसके लोगो पे, ये डिवाइन, ये जो डिवाइन का लोगो है, ये डिवाइन नाम कहाँ से आया? एक्चुअली जैसे उन्होंने फ्री हैंड दिया था, तो आई वॉज थिंकिंग कि बाइक हमारी ऐसी हो जो
अब तक की सबसे ब्यूटीफुल बॉबर हो, सबसे ऊपर हो, ओके, डिवाइन होता है सबसे ऊपर, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगा इस बाइक का एक परफेक्ट नेम है। ठीक है, तो डिवाइन से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके इंजन के ऊपर। इसके इंजन के ऊपर आपने क्या क्या चेंजेस करे हैं भाई? इंजन में कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने ब्लैकआउट किया है इंजन को, सिर्फ इंजन को ब्लैक बफ करा आपने, है ना? ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं इसके एग्जॉस्ट पाइप पे, जो कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा है और शॉर्ट एंड एग्जॉस्ट है, इसके साइड में आपने क्या लगाया हुआ है? एग्जॉस्ट जो इसका बैंड है ओरिजिनल है, और कवर हमने बना रखा है ब्लैक कलर का, ताकि वो यू नो क्रोम ज़्यादा हाईलाइट ना करे। ठीक है, एंड में कुछ ना कुछ हाईलाइट देने के लिए। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे, ये इसका एग्जॉस्ट एंड करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, पूरा एनग्रेव्ड है पूरा, और वो भी हाथ से, ये पूरा हाथ से बना हुआ है ना। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये भी ये अपना बैटरी बॉक्स है, टूल बॉक्स जिसे कह सकते हैं, वायरिंग और बैटरीज के अंदर है, तो इसको भी थोड़ा लाइक जैसे हर चीज एनहेंस की है, तो इसके ऊपर भी हमने ये एनग्रेविंग कर रखी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो इसके फुटपैक्स है, ये भी ब्रास के, ये भी ब्रास के हैं यार, ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत मतलब इजीली फोल्डेबल भी है। उसके बाद अगर हम लोग इसकी गद्दी पर आ जाते हैं, यहाँ पर इसकी सीट पर, तो आपने ये ब्राउन कलर की गोल्डन पिंस के साथ बहुत बढ़िया विंटेज लुक देते हुए, जैसे वो स्टेबल का लुक जो नहीं होता थोड़ा सा, वैसा सा लुक देते हुए आपने इसकी गद्दी भी डिजाइन करी है। लेकिन ये आपने सिंगल सीट रखी है, मोस्टली मैंने जो आपके पहले प्रोजेक्ट्स देखे उसमें आपने डबल सीट का भी ऑप्शन दे रखा है, तो क्या इस मोटरसाइकिल में भी डबल सीट का ऑप्शन है? इसमें नहीं है बट बन सकती है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ सर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो रियर सस्पेंशन है वो आपने चेंज कराया एज इट इज है? सस्पेंशन सेम है, बट जैसे हर चीज के ऊपर हम डिटेल्स हाईलाइट दिए आपने डाल रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा गोल्डन और ब्लैक कवर्स बनाए हैं। ओके, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं इसके पीछे वाले गार्ड पे, तो इसके ऊपर आपने ये क्या लगा रखा है? ये क्या, इसका क्या पर्पस क्या है? इसको खींचना होता है ऐसे पकड़ के? इसको सिजी बार बोलते हैं, सिजी बार। मेनली ये हमने फिटिंग के लिए यूज किया है, और थोड़ा सा इस कुछ ना कुछ यू नो डिटेल देने के लिए, लुक एनहेंस करने के लिए, तो हमने इसका ऐसा शेप बनाया। उसके बाद अगर हम इसके रियर टायर प्रोफाइल पर आ जाए, तो रियर भी आपको 140 का टायर मिलता है। इसे 140 नहीं बोलते, 516 बोलते हैं। अच्छा 516, ओके। हाँ, तो सेम जो फ्रंट पे लगा वो रियर। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा कि ये मोटरसाइकिल अगर मान लीजिए रॉयल एनफील्ड लॉन्च कर देता है, लॉन्च कर देता है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं अगर लॉन्च कर देता है, तो ये मोटरसाइकिल आपको क्या लगता है कि रोड लीगल हो सकती है? क्या है कि वैसे तो कस्टमर ही डील करता है, बट स्टिल अगर एग्जॉस्ट जो है हम थोड़ा साइलेंट कर सकते हैं, और जो पेंट स्कीम है जो आरसी पे, जैसे ब्लैक कलर की बाइक है तो हम ब्लैक कलर का ही, फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लैक कलर की बाइक है तो ये कोई कमी नहीं लग रही है इसमें ब्लैक गोल्ड, तो वो हम वैसे बना देते हैं, ताकि यू नो ताकि कोई आपको रोके भी तो ऐसा सच कोई ज्यादा इशू ना हो। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल की, अगर हम लोग आवाज की इतनी बात करें तो इसकी तरह आवाज तो सुना दीजिए भाई। आवाज तो बहुत लाउड कर रखी है आपने, है? अब हम लोग जानते हैं इस मोटरसाइकिल के पैसे, तो ये मोटरसाइकिल मान लीजिए अगर हमें इस सिमिलर टाइप की मोटर, वैसे एक और सवाल, क्या हम ऐसी मोटरसाइकिल बनवा सकते हैं? हाँ, बनवा सकते हैं। तो अगर हम लोग को ऐसी मोटरसाइकिल बनवानी है, यानी कि डिवाइन पार्ट टू अगर हमें बनवाना है, तो वो उसके लिए हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा सर? देखो अभी कॉस्ट कैलकुलेशन एज सच नहीं की, करना तो पड़ेगा आपको। आप लेके चलो, इतनी डिटेल चाहिए, हैंड एनग्रेविंग चाहिए, ब्रास, और आप समझ जाइए तो इजीली 4 to 4.5 से अबव ही जाएगा। 4 to 4.5, 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा जाएगा। उसके बाद में मान लीजिए ये बाइक एक तरीके से एक आर्ट टाइप में बना रखी है हमने, जिसमें बहुत, अगर मान लीजिए मैं इसमें जो है पीतल नहीं लगवाता हूँ कोई भी, है ना, सिर्फ उसको पेंट करवा देता हूँ, है ना, और उसके अंदर सोना भी नहीं लगवाता हूँ, उसको भी मैं पेंट करवा देता हूँ, उसके बाद में कॉस्टिंग कितनी कम हो जाएगी? आप लेके चलो 1 लाख तक कम हो जाएगी, 1 लाख कम हो जाएगी। तो अब हम लोग चलते हैं डिवाइन से ब्लैक बर्ड पे। अब ये मोटरसाइकिल जो है, ये सुल्तान है क्या? सुल्तान नहीं है, सुल्तान का छोटा भाई, सुल्तान का छोटा भाई है। ठीक है, तो ये थंडरबर्ड के ऊपर मोटरसाइकिल बनी हुई है। फ्रंट में हमें क्या मिलता है, एक बार हमें जल्दी से बता दीजिए। फ्रंट में टायर काफी ब्रॉड है, 170 टायर है, वो भी उसमें 140 था, उसी हिसाब से चौड़ा मडगार्ड लगा हुआ है। यहाँ पर जो है थोड़ी सी खूबसूरती देने की कोशिश करी गई है। ये जो आप देख रहे हो यूएसडी फ्रंट फोक्स, ऐसे दिख रहे हैं मुझे, फ्रंट फोक्स हैं, और डिटेल हमारी आपको हर बाइक में मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो।
ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके हैंडल पर आ जाते हैं तो हमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिल जाते हैं। इसका जो सस्पेंशन है वो ब्रॉड करा गया है, ब्रॉड सस्पेंशन लगा है क्योंकि टायर ब्रॉड है, वो फिट करने के लिए हमें ट्रिपल टी फिर CNC पे बनाई है, बिल्कुल सुल्तान जैसी ट्रिपल टी है इसकी। बिल्कुल हाँ, वन टू ऊपर लगा दिए क्योंकि सुल्तान में क्या था कि ना बहुत जो पोस्चर बन रहा था वो एग्रेसिव सा बन रहा था, तो ये इट्स वेरी कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू सुल्तान। और सुल्तान में भी हम क्लिप ऑन अब ऊपर लगाएंगे ताकि वो और कंफर्ट रहे चला। ठीक है, उसके बाद अगर इसके टैंक पर आ जाते हो, टैंक भी एज इट इज आपका सुल्तान की तरह ही है। यहाँ पर आपने इसके ऊपर पैड लगाया है, दोनों तरफ से आप फ्यूल भर सकते हो। ARA क्या है? ARA ये कस्टमर ने हमें कुछ इनिशियल दिए थे। अच्छा। A से उनका नाम है, R से उनकी बेटी का नाम है, A से उनकी वाइफ का नाम है। अच्छा। उसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आपने थोड़ी छोटी सी डिटेल दी है। इसका जो एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकती है, एक बार इसकी आवाज़ सुनते हैं हम लोग। ऑन हो गया, मैं इधर आ जाता हूँ जल्दी से। उसके बाद में अगर आप बाकी सारी इसकी चीज़ें देख रहे हो, ये थी इसकी आवाज, इसकी बहुत ही सूदिंग, हाँ सूदिंग आवाज है, मतलब सिंगल सिलेंडर ना उस वजह से। उसके बाद आपने इसका स्विंग आर्म चेंज करा, व्हील बेस आपने इसका भी बढ़ाया है? स्विंग आर्म चेंज किया है क्योंकि फैट टायर था, थंडरबर्ड में इतना जाता नहीं है, तो स्विंग आर्म चेंज किया गया है। व्हील और टायर्स जैसे सेम फ्रंट वाला वैसे रियर वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रैम्बलर वाला मड दे दिया है पीछे, मड दिया है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनली इसकी प्राइसिंग पर कि ये सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल थंडरबर्ड के ऊपर जो आपने बनाई है, अगर हमें बनवानी हो मोटरसाइकिल के सहित और मोटरसाइकिल के अलावा तो हमें बताइए, यानी कि विद मोटरसाइकिल आप कितने में लेंगे ये मोटरसाइकिल बनेगी? देखो इसकी सेम कॉस्ट है जैसे उसकी सुल्तान की है, 335,000 की। ओके, बाकी बाइक कस्टमर अपने एंड से प्रोवाइड कर सकता है और या फिर यू नो चेंज। तो जो आपका 335,000 रुपीज़ है ये मोटरसाइकिल के साथ है या उसके अलावा है? ये उसके बिना है 335,000 क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो ये सारा काम जो हमें बता रहे हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो अगली बार जब हम आपके साथ वीडियो करेंगे ना, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम आपके गैराज में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई मोटरसाइकिल बनवानी है तो फिर आप लोग नीव मोटरसाइकिल पर आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप किसी भी टाइप की मोटरसाइकिल को कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे वो 50,000 रुपये का कस्टमाइजेशन हो, चाहे वो 25,000 रुपये का कस्टमाइजेशन हो, चाहे वो 1,00,000 रुपये का भी कस्टमाइजेशन ही क्यों ना हो, आप अपनी मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन को शौक को नीव मोटरसाइकिल पे पूरा कर सकते हो। कस्टमाइजेशन कितने रुपए से स्टार्ट होता है सर? उस स्टार्ट की कोई लिमिट नहीं है, एंड की कोई लिमिट नहीं है। स्टार्ट की कोई लिमिट नहीं, यानी 20,000 रुपए से भी कस्टमाइजेशन हो सकता है। 20,000 में भी आएंगे तब उसमें कुछ अगर लाइक एक्सेसरीज भी चेंज करनी होंगी या कुछ तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग होगी, उसके बाद में जो आपकी जो लिमिट है वो तो आपको पता है, एंडलेस है, स्काई इज़ द लिमिट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब आप लोगों को पता है कि आपको सारे ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए कहां पर आना है। आपको यहां पे क्रेजी वैरायटीज़ में लेकर के आने वाला हूं। मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा केरला, जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाड़ी R34 स्काईलाइन गाड़ी, जो कि आप लोगों ने जल्दी जल्दी यहां पर देखी नहीं होगी। मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, मैं आप लोगों को सोने की गाड़ियां दिखाऊंगा, मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा एक बहुत ही बढ़िया जर्नी पर। तो उस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो फिलहाल के लिए अब मैं जाता हूं और आपके लिए ऐसे ही खिलौने और भी ढूंढ करके लाता हूं। टिल देन जस्ट लाइक बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू वंडर्स इन एनीथिंग दैट यू वांट टू। टिल देन दिस इज सैम सिद्दीकी एंड क्रिस्टन सलाम।